हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 9 आयत तक। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ उस किनारे पर खड़ी रही और उसने उसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ में पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो, आमेन, हालेलुया। और आज का जो मैंने विषय है वो लिया है कि दिल की भूमि, दिल की भूमि। हमारा जो दिल है वो परमेश्वर की एक भूमि है, जमीन है। और पूरा साल निकल गया, सबको पता है ना, पूरा साल 2 महीने और है, पूरा साल जो है वो निकल गया। ये साल का 3रा एंड का मंथ है, साल के आखिरी का ये 3rd जो है वो मंथ है। फिर नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा और साल जो है वो खत्म हो जाएगा। हम पूरा साल कितने सर्मन सुनते हैं, पूरा साल। जनवरी से अगर शुरू करें तो दिसंबर तक, क्रिसमस टाइम तक, हम बहुत सारे सर्मनों को, बहुत सारे प्रीचिंग को, परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर के वचन से हम बहुत सारे खुदा के दासों के द्वारा, कभी कभी ऑनलाइन हम सुनते हैं, कभी कभी जूम मीटिंग में सुनते हैं, और चर्च में आकर भी हम परमेश्वर के दास के द्वारा, दासों के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? सुनते हैं, सुनते हैं। पहले आयत में लिखा है, उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। उस समय जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब ऐसे हमारे जैसी जगह भी नहीं थी बैठने के लिए कि हम वो लोग बैठकर आराधना कर सके, लेकिन जब यीशु झील के किनारे ही उनको उपदेश देने शुरू हुए। और ये जो वचन हमारे सामने पढ़ा गया ये स्वर्गीय बातों के बारे में और हमारे जीवन के बारे में है कि हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। और इस वचन में हम देखें तो कहा गया है कि यीशु झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और खड़ी रहकर उस उपदेश को, उसके स्वर्गीय बातों को वो सुनने लगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु हमें सिखाने वाले हैं। और इस वचन में जो है वो 4 जो है जमीन के बारे में, 4 किस्म की भूमि के बारे में बताया गया है कि 4 किस्म की जो भूमि है और वो भूमि जो है वो जमीन है कि एक बोझने वाला आता है। जब हम देखें अपने संसारिक जीवन में तो अगर हम देखें तो खेत को जो है पूरी तरह तैयार किया जाता है कि बीज का, जो बीज का फल है वो अच्छे से हम लोग अपने जीवन में ले सके। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, अगर हम धान लगाते हैं तो धान को हम खाद देते हैं, पानी देते हैं और उसके बाद उसकी अच्छे से देख रेख जो है वो करते हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे जो दान बीजने वाला है वो परमेश्वर है, परमेश्वर के दास है जो हमें परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, और वही किसान है। और हम जो है वो भूमि है, हम जो है एक जमीन है, एक मिट्टी है कि इस शरीर से, इस जमीन से किस प्रकार का फल जो है वो ला सके।
मैंने जैसे पीछे बताया था कि पूरा साल हम वचन को सुनते हैं और वो वचन जो है हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे होना चाहिए। जब हम देखें पहली किस्म की जमीन को, तो पहली किस्म की जो जमीन है वो है कि मार्ग के किनारे जो है वो जो बीज जो है वो मार्ग के किनारे जो है वो गिर गया। मार्ग के किनारे जब हम पढ़े मत्ती उसका 13:19 में, तो उसमें लिखा है जो कोई राज्य का वचन सुन कर नहीं समझता उसके मन में जो कुछ बोला गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। जो पहली किस्म पहली भूमि है वो है मार्ग के किनारे, बीज जो है वो गिर गया। इसका अर्थ है कि जब हम बैठते हैं वचन सुनने के लिए, हम अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर जब हम तेरे वचन को सुने हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को, हमारी सोच को, हमारी समझ को खोल कर रखना कि हम तेरे वचन को अच्छे से ग्रहण करें। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आए, वो बहुत सारी बातें जब हम बैठते हैं वचन को सुनने के लिए, कभी हमारे बच्चे तंग करना शुरू हो जाते हैं, कभी अलग किस्म की सोचें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। एक बार मुझे किसी ने पूछा कि पादरी साहब मुझे वचन जो है वो समझ नहीं आता जब मैं वचन में बैठती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि आप पहले प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर जो कुछ मैं वचन को सुनूं या ग्रहण करूं या पढ़ूं या समझूं, पिता परमेश्वर उसको शैतान चुरा ना पाए। और इस वचन में ये बताया गया है कि वो जो भूमि है कहीं ऐसा ना हो कि जब किसान जो है वो बीज को दे तो वो कहीं किनारे पे ना गिर जाए, कहीं शैतान आकर उस बीज को छीन ना ले। और उसी प्रकार जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं तो वो बीज जो है वो फलदायक भी होता है। वो फलदायक जो वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार वो फलदायक होता है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 7 वचन को देखें तो उसमें लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासियां, परमेश्वर के लोग जो है वो जो वचन को डिलीवर करते तो किस प्रकार वो हम उसको वचन को ग्रहण करते हैं। तो जब हमने अभी भी पढ़ा तो उसमें लिखा है 9 आयत में कि जिसके कान हो वह सुन ले। इसलिए हमें अपनी सोच को अपने विचार को खोल कर परमेश्वर के सामने रखना है कि परमेश्वर तेरे वचन को हम अच्छे से ग्रहण करें। हालेलुया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं? हम सब है। और सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो जो परमेश्वर के वचन का बीज है वह किनारे पे नहीं गिरता। और जब हम दूसरी जमीन को देखें तो दूसरी जमीन जो मैंने पहले बताया था कि मार्ग के किनारे मीन्स पथरीली भूमि, जो पत्थर दिल, जो एकदम मजबूत पत्थर के दिल, बोले कि नहीं हमने आज तक जो भी है हमने कुछ भी परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं सुना। कभी कभी होता है हम बहुत सारी चीजों को जो है वो लेकर चलते हैं, बहुत सारी बातों को हम लेकर चलते हैं जो हमारे साल में अगर किसी ने कोई बात बोली हो हमें 2 साल पहले तो वो भी हमें याद रहती है, लेकिन अगर खुदा के दास ने पिछले महीने या पिछले हफ्ते हमें कुछ बोला तो वो हमें याद नहीं रहता। इसीलिए हमें पथरीली भूमि नहीं बनना, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो पत्थर दिल को भी मौन करने वाला परमेश्वर है, पत्थर दिल को भी मौन करने वाला परमेश्वर है। और उसी प्रकार जब दूसरी हम बात करते हैं वो है पथरीली भूमि की। पहला जो था हमने कहा कि मार्ग के किनारे, दूसरा जो है वो है पथरीली भूमि। जब हम वचन में देखे तो पथरीली भूमि किस प्रकार की है, 13 अध्याय की जब हम 20 आयत को देखें तो उसमें लिखा है और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह ये है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण कलेश का उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जब हम देखें एक पेड़ को, तो जब पेड़ जो है भूमि में लगाया जाता है तो अगर हम उसकी देख रेख नहीं करते, उसको अच्छे से नहीं पानी डालते या उसका टेक केयर नहीं अच्छे से करते तो वो जो है वो पेड़ जो है सूख जाता है कि नहीं सूखता? सूख जाता है ना।
सूखता कि नहीं सूखता? अच्छे से खाद नहीं डालेंगे तो फलदायक वो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। और इसीलिए हमें पथरीली भूमि जो है वो नहीं बनना, बल्कि परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर लेना है। क्योंकि जब हम वचन पढ़े तो वचन में लिखा है, अगर पुराने नियम में देखें तो उसमें लिखा है कि तू इस प्रकार परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर कि तेरे एक दूध पिलाने वाली माता जो है वो भी दूध पिलाते पिलाते अपनी अपने बच्चे को परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाए। जब हम पुराने नियम में देखें तो पुराने नियम में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे गले में एक तबीद जैसा होना चाहिए। और सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेंगे तो हमारा हृदय जो है वो पथरीली भूमि जैसा नहीं होगा, वो किनारे पे नहीं जाएगा। जब हम देखें हिजकिया उसका 36 अध्याय उसकी 26 और 27 आयत में लिखा है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हें तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे और अपने पुराने मनुष्य को निकाल कर परमेश्वर से हमें नया हृदय जो है वो ग्रहण करना है। कि जो हमारी कभी कभी होता है जो बीत चुका समय उसकी बातें जो है बहुत हमारे मन में रहती है। शैतान जो है वो पुरानी बातों को हमारे मन में उसी समय आती है जब हम परमेश्वर को वचन को पढ़ रहे होते हैं, जहां हम प्रार्थना करने के लिए बैठे होते हैं, उसी समय शैतान जो है वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सके। वो नहीं चाहता शैतान कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में अपने आप को, अपने घराने को, अपने तमाम बहन भाइयों को ला सके। इसलिए सबसे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर मेरे अंदर से ये पत्थर मन को निकाल कर मेरे अंदर मोम का दिल भर दे ताकि मैं तेरे वचन को ग्रहण कर सकूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जब दास बोलते हैं तो हमें उसको ग्रहण करना ताकि वचन जो है वह पथरीली भूमि पर, जैसे इसमें हमने वचन में मत्ती उसका 13 अध्याय उसके 20 आयत में पढ़ा 21 में कि जड़ ना पकड़ने के कारण वो जो है वो निकल जाता है। कभी कभी होता है जब एक कुछ पेड़ लगाते हैं तो वो जड़ ना पकड़ने के कारण बाहर मिट्टी से बाहर निकल आता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत होना है ताकि हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की ताकत में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए और उसके वचन को, उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। कभी कभी जब पवित्र आत्मा कलीसिया में आता है तो हम एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते, कि क्यों ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो तालियां क्यों बजा रहा है, वो अपने मुंह में ऐसे क्यों बात कर रहा है। हम एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की पहचान करते हैं, हर दिन हमें ये बोलना है कि परमेश्वर हमें अपनी पहचान करनी सिखा, हमें तेरे जैसा बना जैसे तू परमेश्वर है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसने हमें अपने स्वरूप पे बनाया। लास्ट संडे भी हमने ये वचन को सुना था कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। अगर परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया तो हमें चाहिए कि हम जिस प्रकार हम अच्छी अच्छी क्रीम लगाते हैं अपने फेस को, अपने फेस पे धूप के लिए, अपने फेस को प्रोटेक्शन करने के लिए हम लगाते हैं ना सनस्क्रीन लोशन, तो ये जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसके द्वारा जब हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना में, वचन में बढ़ते जाएंगे, फास्ट में बढ़ते जाएंगे, तो परमेश्वर की जो रोशनी है वो हमारे चेहरे के ऊपर आएगी। जब हम वचन में पढ़े जर्मिया में तो उसने जर्मिया ने कहा है कि परमेश्वर तेरी रोशनी जो है मेरे मुख के ऊपर चमके। और सचमुच उसने ये भी कहा जर्मिया ने कि परमेश्वर, मैं तो एक बालक हूं, मैं तो वचन को बोल नहीं सकता, परमेश्वर के वचन में लिखा, उसको कहा गया कि मैं तेरे फोटो के ऊपर अपने दूतों के पहरे बैठाऊंगा। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के अनुग्रह को मांगना है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह हमें दीजिए कि हम तेरे वचन में, तेरे आत्मा में बढ़ते जाए ताकि हम
तेरी रोशनी को, तेरे अनुग्रह को हम अपने जीवन में पा सके। और जो थर्ड है, तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा जो पढ़ा गया हमारे सामने वो है झाड़ियों में, सातवीं आयत में, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। झाड़ियों में गिरना मतलब अगर हम देखें मत्ती उसका 13 अध्याय उसकी 22 आयत में, जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो झाड़ियों में गिरा गया उसका अर्थ जो है ये बताया गया है कि जो वचन को सुनकर भी संसार की बातें, अगर हम इधर वचन सुन रहे हैं तो हमें ये टेंशन होती है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, पता नहीं, हमें तो अभी जाकर खाना बनाना है, अभी तो हमें ये काम करना है वो काम करना है। और जब भी कभी वचन को पढ़ने की या प्रार्थना करने की बात आती है तो हमें हमारे घर में ही बहुत सारे काम निकलते आते हैं, हमें तो सफाई करनी है, हमें ये काम करना है वो काम करना है। लेकिन वचन में लिखा है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वचन जो है वो झाड़ियों में गिरे कि वो फल ना ला सके। जब हम यूहन्ना उसका यूहन्ना की किताब में देखे उसका 15 अध्याय 16 आयत में दाखलता के बारे में बताया गया, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम मेरी डालियां हो, जो डाली परमेश्वर में नहीं पड़ती वो काटी जाती और किसमें जो की जाती है आग में, जो डाली हालेलुया। हमें बहुत सारा फल लाने के लिए उस बीज को जो है वो ग्रहण करना है कि वो बीज कहीं झाड़ियों में ना गिरे, ताकि हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन का एक पर्पस और एक प्लान जो है वो गढ़ के रखा है। यर्मिया कहता है कि परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के प्लान किए हैं वो कुशलता के हैं, परमेश्वर के जो प्लान है हमारे जीवन में वो कुशलता के हैं। अगर हम पढ़े, कोई भी एक जन पढ़ दीजिए यर्मिया उसका 29:11, बहुत फेमस वचन है ये यर्मिया उसका 29 उसका 11 वचन में हम सब पढ़ेंगे कि हम सबके जीवन का एक प्लान है, पास्टर जी के जीवन का एक प्लान है, मेरे जीवन का एक प्लान है और आपके जीवन का भी एक प्लान है। परमेश्वर ने हम सबके जीवन का एक जो है प्लान वो हम सबके लिए रखा है, क्योंकि यहोवा की यह बात है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि के लिए बहुत कुशल के हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, अंत में तुम्हारी आशा जो वो पूरी करूंगा। हर एक इंसान के जीवन का जो प्लान है, क्योंकि कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर लिए, कभी आता है किसी के मन में ये सवाल, हालेलुया हालेलुया, कभी किसी के मन में ये सवाल आता है कि कैसे मैंने ग्रहण किया परमेश्वर को, परमेश्वर कैसा होगा, कभी किया हमने क्वेश्चन, हाँ और ना किए। कभी कभी होता है हम क्वेश्चन करते हैं, मैं एक्चुअली स्पेशली क्वेश्चन करती हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन का प्लान और पर्पस क्या है, मुझे बताइए कि आपका जो प्लान है वो मेरे जीवन के लिए क्या है। जब हम क्वेश्चन परमेश्वर को करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर को क्वेश्चन जो है वो नहीं करना, लेकिन परमेश्वर ने एक योजना जो है आपके जीवन के लिए मेरे जीवन के लिए रखी है, वो वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में वो हमारे जीवन से वो जो योजना है वो पूरी करेगा, और जब योजना पूरी करेगा उसके अनुसार वो फल भी हमारे जीवन से चाहता है। कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि हम तो ऐसे ही धरती पे आ गए, पता नहीं क्या। एक दिन मैंने जब अभी मैं अपने घर गई तो मैंने अपनी मम्मी से ये क्वेश्चन किया कि तूने मुझे पैदा क्यों किया, मेरे जीवन का मकसद क्या है, तो मेरे मम्मी हंसना शुरू हो गए, बोले जब भी कभी तू मुंह खोलती है कुछ अलग ही बोलती है, तो मैंने उनको बोला नहीं आप बताइए, बोले वो मैं थोड़ी हूँ प्लान करने वाली, मैंने तो तुझे पैदा किया, जो प्लान और पर्पस जो मकसद है तेरे जीवन का वो परमेश्वर जानता है और वो अंत के दिनों में वो पूरा करेगा। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है लेकिन उनका विश्वास जो है कभी कभी मैं देखकर
खुद हैरान हो जाती हूँ कि परमेश्वर ने कितना स्ट्रॉन्ग विश्वास जो है उनको दिया है, कि इतने पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनको मजबूत बनाया है, कि हमें उन्होंने जितना भी सिखाया परमेश्वर ने उनको बुद्धि दी। और आज जो है वो हमारा दिन है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताएं, ताकि हम बहुत सारा फल जो है वो ला सके। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का वचन जो है वो झाड़ियों में गिरे, बल्कि हमें अपने हृदय रूपी पत्तियों पर लिखना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में ले सके। और जो लास्ट एक और मैं बात बताऊंगी, जब अगर हम पढ़े अपने जीवन के प्लान और पर्पस के बारे में, रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा है, रोमियो 8 की 28 में अगर हम पढ़े, हम उस वचन में देख सकते हैं कि हमारे जीवन का प्लान जो है और पर्पस जो है वो क्या है, कि किस लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर रखा है। अगर हम पढ़े तो इस वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यह हमारी इच्छा नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की मर्जी थी, परमेश्वर का प्लान है कि हम किस लिए बुलाए गए हैं। और सचमुच अगर हम बुलाए गए हैं तो हमें परमेश्वर में और भी मजबूत होना है, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर सके। और जो हम लास्ट देखेंगे कि अच्छी भूमि में, जब हम 8 वचन को पढ़ें, 13:8 को, मत्ती 13:8 को, तो उसमें लिखा है, पर कुछ बीज भूमि अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना, और जिसके कान हो वह सुन ले। और उसी प्रकार जब हम पढ़े मत्ती 13 अध्याय उसकी 23 वचन को, तो उसमें लिखा है, जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वह है जो वचन के अनुसार समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और सचमुच जिस प्रकार हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि अच्छी भूमि बनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, कि जब हम अपने आप को तैयार करेंगे कि परमेश्वर आप हमें अच्छी भूमि बनाइए, अच्छी जमीन बनाइए, जब तेरे वचन का बीज जो है वो बोया जाए, वो कहीं झाड़ियों में, पत्थरों में, और जहां किसी ऐसी भूमि में ना गिरे कि हम उसमें अच्छे से जड़ पकड़ ना पाए। परमेश्वर तेरा वचन जब बोया जाए तो हम उस वचन को ग्रहण कर सके, हमारे हृदय को ऐसा खोल कर रखना, ताकि हम तेरे वचन को, तेरी सामर्थ को, तेरी सोच को, तेरी समझ को अपने जीवन में